नमस्कार किसान भाई। आज मैं बताने वाला हूँ गेहूं में जो खाद की मात्रा है कितनी डालनी चाहिए और देसी जातियों में कितनी डालनी चाहिए, बौनी जातियों में कितनी डालनी चाहिए, असिंचित क्षेत्र में कितनी डालनी चाहिए, सिंचित क्षेत्र में कितनी डालनी चाहिए। तो किसान भाई आज मैं सारा बताने वाला हूँ कि किसमें कितनी खाद डालनी चाहिए। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, मैं खाद की मात्रा की बात करूँगा कि गेहूं में खाद की मात्रा कितनी डालनी चाहिए। तो थोड़ा मैं समझ लेता हूँ खाद की मात्रा के बारे में। पहले खाद की जो मात्रा है किसान भाइयों, गेहूं की जाति, सिंचाई की सुविधा और बोने की विधि, खाद की किस्म व भूमि की किस्म आदि कारकों पर निर्भर करती है। जो किसान भाइयों ये खाद की मात्रा है, गेहूं की जाति, सिंचाई की सुविधा, बोने की विधि, खाद की किस्म या भूमि की किस्म आदि कारकों पर ये निर्भर करती है कि खाद कितनी उसमें पड़ेगी। अब किसान भाइयों बता दें कि खाद की मात्रा सदैव मृदा परीक्षण कराकर ही डालें। किसान भाइयों मैं आगे सब कुछ बताने वाला हूँ, कितने किलो खाद डालेंगे, कब क्या डालना, सब कुछ बताऊंगा। तो किसान भाइयों जो खाद की मात्रा है सदैव मृदा परीक्षण कराकर ही डालें, और विभिन्न परिस्थितियों में खाद की मात्रा निम्न प्रकार दी जा सकती है। तो किसान भाइयों जो मैं ये खाद की मात्रा बताऊंगा, ये एक हेक्टेयर में पड़ेगी। तो किसान एक हेक्टेयर में पड़ेगी तो किसान भाइयों जो जातियां हैं मैं पहले बताऊंगा सिंचित क्षेत्रों के लिए। जो सिंचित क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है उनके लिए मैं पहले खाद की मात्रा बता देता हूं। किसान भाई जो देसी जातियां होती हैं इनमें जो है 60 से 80 केजी नत्रजन, 30 से 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास देनी चाहिए। अब किसान भाइयों अगर आगे बात करूं बोनी जातियां, यानी जो समय से बुवाई होती है, ये मैं सिंचित क्षेत्र के लिए किसान भाइयों बता रहा हूं। जो बोनी जातियां समय से बुवाई कर रहे हो उसमें 120 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास देनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा किसान भाई बोनी जातियां यानी पछेती बुवाई, इसमें 60 से 80 केजी किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। ये किसान भाई हमने बात कर ली है सिंचित क्षेत्रों के लिए, जो गेहूं लगाया जाता है, जो सिंचित क्षेत्र में गेहूं लगाया जाता है उसके लिए मैंने खाद की मात्रा बता दी है। अब किसान भाइयों बात करेंगे असिंचित क्षेत्रों के लिए। तो किसान भाइयों अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं खेती से रिलेटिव ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों जो असिंचित क्षेत्रों के लिए है इसमें अगर बात करेंगे तो देसी जातियां जो होती हैं इसमें 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर जो है नत्रजन डाल सकते हैं, और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और 15 किलो पोटास डाल सकते हैं। अब अगर इसमें बोनी जातियों की बात करें किसान भाइयों सिंचित क्षेत्र के लिए, तो इसमें 40 से 60 किलो नत्रजन, 30 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास। तो किसान भाइयों अगर इस हिसाब से आप खाद डालोगे तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, और पैदावार अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी होगी। और किसान भाइयों मैं एक चीज बता देता हूँ कि जैसे जब भी आप खाद डाल रहे हो तो मृदा परीक्षण जरूर करा लें। उससे किसान भाइयों ये रहता है कि आपको ये पता चल जाता है कि कितनी खाद हमें देनी चाहिए खेत में, कितनी नहीं देनी चाहिए, किस पोषक तत्व की हमारे खेत में कमी है, उस पोषक तत्व को कैसे पूरा किया जाए, ये सब करना चाहिए। अब ये जैसे मान लिया बिना अगर मृदा परीक्षण के आप खाद डाल रहे हो तो आपको यही नहीं पता है कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की मात्रा कम है। तो किसान भाई मैं तो यही कहूँगा कि मृदा परीक्षण करा कर ही जो है खाद डालें, जिससे कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। जिससे किसान भाई जैसा कि हमने आपको बताया है कि कितना पोषक तत्व देना है सारा कुछ बता दिया, लेकिन किसान भाई ये सब करने से पहले आप मृदा परीक्षण अपने खेत का जरूर करें। इससे ये होता है कि आपके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है ये सारा कुछ जानकारी मिल जाता है। उसके बाद अगर आप ये खाद की मात्रा आप इस हिसाब से इस्तेमाल करोगे तो आपके खेत में जो है उत्पादन गेहूं में बहुत ही अच्छा होगा। तो किसान भाइयों
पोटास का भी बता दिया, फास्फोरस का बता दिया, नाइट्रोजन। लेकिन आप लोग वीडियो में ये ध्यान रखना, पहले मैंने सिंचित क्षेत्रों के लिए बताया, फिर असिंचित क्षेत्रों में बताया है। पहले जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है और जहाँ पे सिंचाई हो सकती है आराम से, तो वहाँ सिंचित क्षेत्रों के लिए है, और जहाँ पे सिंचाई नहीं हो सकती असिंचित क्षेत्रों के लिए। तो ये विशेषकर ध्यान रखें कि असिंचित क्षेत्रों के लिए क्या मात्रा है खाद की, और सिंचित क्षेत्रों के लिए क्या मात्रा है। अब जैसे पता चला असिंचित वाला अगर तुमने सिंचित में लगा दिया, सिंचित वाला असिंचित में लगा दिया, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि असिंचित में जो है पानी की व्यवस्था कम होती है। तो यहाँ पे अगर ये सिंचित क्षेत्र वाली इसमें मात्रा लगा देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इसका विशेष कर ध्यान रखें कि सिंचित क्षेत्र वाला सिंचित क्षेत्र में लगाएं और असिंचित क्षेत्र वाला असिंचित क्षेत्र में लगाएं। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, आज मैंने जो खाद के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, अब आपको किसान भाइयों कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी की। आप इस हिसाब से अपनी मात्रा अपने हिसाब से देख, मतलब जो है सेट कर सकते हैं। ये मैंने जो मात्राएं बताई हैं ये एक हेक्टेयर के हिसाब से बताई हैं। तो किसान भाइयों, एक हेक्टेयर में कितनी मात्रा डाली जाती वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही खेती से रिलेटिव अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।